नाक के आगे से पर नजर रखो, श्वास अंदर जाए तब राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए शक्ति, बाहर आए तो तीन। श्वासोश्वास को गिनते जाओ, ध्यान करो, ध्यान में बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन में जपते जाओ। जहां तिलक किया है हमने लाल, वहां उंगली लगाकर तीन बार भगवान का नाम लो। उंगली लगाओ अपने भाग्य पर। ओम ओम हमारा भाग्य बढ़िया हो रहा है, हमारी जीवन शक्ति यहाँ आएगी। हरि ओम ओम ओम। अब यहाँ तिलक का क्या, वहाँ ओम को देखो। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 हिम्मत। हरि ओम 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 साहस। हरि ओम 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 बुद्धि का विकास। अब उंगली हटा दो। हरि ओम 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 आनंद, आनंद प्रसन्नता। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय इष्ट देवाय, आत्मदेवाय, प्रभुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद देवाय, गुरु देवाय, माधुर्य देवाय, सामर्थ्य देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ये वैदिक ऋचाएं उच्चारण करने से अपने शरीर में सात केंद्र हैं और सात केंद्रों में एक एक केंद्र से सौ नाड़ियां
जुड़ी है और 100 नाड़ियों से 7200 नाड़ियाँ जुड़ी हैं। ऐसे करोड़ों नाड़ियों का जो जाल बिछा है शरीर में, उस शरीर के मुख्य 7 केंद्र हैं। तो ये इस प्रकार की जो उच्चारण शैली है, ये अंग्रेज मूर्खों ने बदनाम कर दिया कि ये गडरिया लोग गाते थे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, ऐसा करते स्थानी धर्माणि प्रथमान्यासान्यु तेननाकम्। ये सब अंग्रेज लोग इसकी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन ये खिल्ली उड़ाने की चीज नहीं है। लेकिन उनको ये खिल्ली उड़ाकर वैदिक संस्कृति की जड़ें काटनी थी, और वैदिक संस्कृति में जो आत्मबल है और जो अंतरात्मा का सुख है, जो संयम है और सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म जगत से जुड़ने की योग्यता है, वो पाश्चात्य कल्चर में और इस्लाम में और संस्कृति में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये वैदिक ज्ञान बहुत ऊंचा है और इस ज्ञान में तो इतनी शक्ति भरी है कि अभी ये बच्चे विद्यार्थी भी उसको नहीं जानते। ये तो आचार्य इनको पढ़ा कर रटा कर तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी ऊंची विद्या है। ये भोग और मोक्ष को देने वाली विद्या है। ये विद्या का तो आदर देवता लोग भी करते हैं। देव आधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनस्य देवता, सारा जगत उस परमात्मा देव के आधीन है, लेकिन मंत्र के आधीन वो देवता भी हो जाता है। तो वो जमाना था कि अभिमंत्रित तीर छोड़ दिया, अपना काम करके आया। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक संत, उनका आश्रम काशी में भी है, कलकत्ता में भी है, थोड़े समय पहले उनका शरीर शांत हुआ। हम मिलके भी आए, उनका आश्रम देख के भी आए वाराणसी में। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये सब क्या है बाबा जी। 1942 में राजा वीरेंद्र सिंह ने पूछा कि महाराज, भगवान की नाभि से कमल निकला और फिर उसमें ब्रह्मा जी हुए, ये समझाने के लिए? बोले नहीं नहीं, वैदिक ज्ञान में संदेह नहीं करो, ये तो हम भी करके दिखा देंगे। तो महाराज लेट गए और नवली क्रिया करके थोड़ी देर में देखा तो उनकी नाभि से कमल की नाल बढ़ते 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 एक हाथ जितनी ऊंची, और फिर उसमें कमल खिला। लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। महाराज ने बताया कि आज तो बादल हैं, अगर सूर्य के किरण सीधे होते तो हम ये सूर्य उपासना के मंत्र से हमने किया है तो छत तक भी कर सकते हैं। जब हम आजकल के योगी भी मांत्रिक शक्ति से इतना सारा कर सकते हैं, तो पूर्व काल में मांत्रिक शक्ति से दशरथ राजा के दर्शन कर मिलने गए थे रावण। तो मंत्री ने बताया वे गंगा किनारे हैं, तो शिकार करने गए। तो अयोध्या कहाँ और गंगा किनारे शिकार कैसे? बोले तुम दशानन जाओ तो पता चलेगा। तो दशरथ गंगा किनारे चावल का दाना अभिमंत्रित करके गुस्से में फेंक रहे थे गंगा जी में। तो रावण ने पूछा कि गंगा जी में तो आदर से अर्पण होता है, ये आप थोड़ा गुस्से में फेंक रहे? बोले मैं वृद्ध हो गया हूँ, समय की कमी के कारण राजा का कर्तव्य है कि समाज में संतुलन बना रहे। तो मनुष्य समाज में, पशु समाज में भी शेर अगर बढ़ जाते तो राजा आखेट करके अधिक शेरों को नियंत्रित कर दे ताकि दूसरे प्राणी भी जीवित रह सके। तो मैं इसीलिए शिकार करने तो नहीं जा सकता हूँ, तो शिकार का काम यहाँ कर रहा हूँ।
ये तान दाना चावल का अभिमंत्रित करके यहाँ फेंकता हूँ तो वहाँ तीर बनकर शेरों को लगता है। तो रावण देखने गया और वास्तव में चावल का दाना अभिमंत्रित तीर बनकर लगता है। तो मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि महाराज महाभारत में आता है कि शाल्व राजा मंत्रों शक्ति से विद्वानों के द्वारा एक ऐसा जहाज बनाया, शाल्व सौभ नगर बसा था, वह नगर आकाश में उड़े, नगर में सारी व्यवस्था, अस्पतालें, गौशाला, गाय का दूध चाहिए तो नगर में ही होती गाय, पूरा नगर शाल्व सौरभ नगर में। तो ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। तो उसने देखा श्री कृष्ण का बड़ा यश है, तो द्वारिका में श्री कृष्ण को अपने नगर ऊपर इतना बड़ा जहाज। सुनते हैं कि राम जी जब आए त्रेता में लौटे तो करोड़ों वानरों को पुष्पक विमान में साथ में ले आए। तो करोड़ करोड़ वानर आ सकते, उतना बड़ा विमान था। लेकिन अभी कृष्ण काल में शाल्व नगर, और शाल्व नगर वाले राजा शाल्व ने द्वारका पर धावा बोला। तो कृष्ण ने कहा कि हम धरती के जीव मनुष्य हैं और आप आसमान में अपना नगर लेकर हम पर हावी हो रहे, ये अधर्म है। धर्म युद्ध तो आप सामने आओ, थोड़ा आपके जहाज को नीचे उतारो। तुम्हारा जहाज पानी में रहकर भी लड़ सकता है, आकाश में भी उड़ता है आपका नगर और धरती पर भी। तो आमंत्रण भेजा, तो उसको हिकड़ी थी कि ये डर गए। वो आए तो श्री कृष्ण ने उसके जहाज के उड़ने की योग्यता ही नष्ट कर दी और फिर बराबर हावी हो गए, शाल्व नगर समाप्त कर दिया। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी या आचार्य सुना। तो ये मांत्रिक शक्ति से एक बार वो महाराज को बोला कि महाराज तीर अभिमंत्रित करते हो शत्रु को, एक तीर में से अनेक तीर हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? बोले संदेह मत करो, ये सरकंडे उठा लाओ। सरकंडे तो समझते ने, घास ये अपने होते जंगल में यूं ही पड़े रहते। उठाया महाराज ने एक सरकंडे को, थोड़ा सा मोड़ा और दूसरा सरकंडा बाण की नाई उस पर लगाया, एक को धनुष की नाई पर, मंत्र से अभिमंत्रित करके बड़ के पेड़ को मारा। वो सरकंडा बड़ के पेड़ में आग लगी। बोले ये आगने मंत्र से मैंने किया है, अब तुम्हारे फायर ब्रिगेड वाले इस आग को बुझा नहीं सकते। फिर महाराज जी ने वारुणी मंत्र की धारणा करके वो मारा, वहां जल जल हो गया, शांत हो गया। तो ये मंत्र में एक तो श्रद्धा, दूसरा संयम, तीसरी एकाग्रता। तो ये मांत्रिक शक्ति गजब का काम करती है। तो यंत्र से तो मंत्र बड़ा सूक्ष्म होता है, ऐसे ही शब्दों की बड़ी ताकत है। लोग भाषण करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आरोग्य मंत्री बन जाते हैं। खाली जीभ की तो करामत है शब्दों की। वे शब्द अगर मंत्र होते हैं तो सूक्ष्म जगत के साथ जापक को जोड़ देते। अभी चार मंत्र है तो मारण, मोहन, वशीकरण आदि का उच्चारण का काम करते। दूसरे मंत्र है तो अभीष्ट, साबरी मंत्र है तो अभीष्ट की प्राप्ति में काम आते, और वैदिक मंत्र है तो मुक्ति और भुक्ति के काम आते। तो वैदिक मंत्रों का छू मंत्र जैसा नहीं दिखेगा लेकिन लंबे समय ऊंचा फल देता है, मोक्ष फल देता है। और दूसरे मंत्र थोड़ा सा चुटकला कर देते। तो तांत्रिक मंत्र थोड़ा ही जपो तो जल्दी काम दिखता है, लेकिन वो उस काम का नतीजा भी थोड़ा सा ही। वैदिक ऋचाओं का भी अपना प्रभाव है। शब्द है पुरुषम ऋषु और शब्द शाश्वत है। जितना वातावरण में तू मार काट अबे आरे आले ताले लुचे, ये हल्की भाषा है। वातावरण में जितना
लोगों का मन और तन मायूस करती, उतना ही वैदिक ऋचाएं वातावरण में शांति देती, मधुरता देती, समता देती। आज के बच्चे वैसे तो कितने चंचल हो जाते, जरा जरा बात में कुछ का कुछ कर बैठते और विकारों में गिर जाते, लेकिन जो वैदिक रीति से प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, मेरे को तो एक ऐसा मंत्र मिल गया कि बाप रे बाप, बहुत फायदा हुआ हमारा, और हमने जिनको दिया उनका बहुत फायदा हुआ। कई उपाय करते समय भी जो काम नहीं हुआ वो उस मंत्र से हो गया, मेरे पास वो मंत्र है आ गया। क्योंकि बड़े में बड़ी समस्या है कि मनुष्य भोजन करते हैं उससे जो रस बनता है, पहले रस बनता है, रक्त बनता है आदि आदि करके फिर धातु वीर्य बनता है। तो इधर उधर देखते, टीवी देखते, सपन दोष होता है, हस्तमैथुन तो होते, धातु क्षय हो जाता है। जब धातु क्षय हो जाता है तो फिर चित्त लगता नहीं पढ़ने में। तो धातु क्षय होता है तो आदमी का फिर शरीर मोटा होने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है और नाड़ियों का ताकत कम हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि सब जो मोटे हैं उन्हें, ऐसा नहीं कि लगभग शादी के बाद जो मोटापा आता है तो इसीलिए आता है। वो सप्तम धातु नहीं बनता, छठे धातु तक ही भोजन का काम पूरा हो जाता है। जैसे महाराज बैठे हैं टाट वाले, तो दिखने में पतले दुबले हैं ये, बड़े त्यागी, लेकिन उनकी नाड़ियों में बल होगा। भले भूखे प्यासे तपस्वी रहते हैं, पतले डुबले हैं, मोटे लगेंगे कि ये पहलवान है, महाराज कमजोर है, लेकिन महाराज जितना दौड़ सकेंगे उतना सेठ नहीं दौड़ सकता। तो ये सप्तम धातु बनता है। तो ये सप्तम धातु बने और फिर उस सप्तम धातु को शरीर में स्थिति हो तो ओज बनता है। तो आदमी ओजस्वी तेजस्वी आभा संपन्न होता है। जितना ओज और तेज उतना ही वो आदमी प्रभावशाली। सर्टिफिकेट से प्रभाव का कोई संबंध नहीं है। तो मन शक्ति प्राण शक्ति वो ओज से सीधा संबंध है उनका। तो अब कुल मिलाकर माइयों को प्रदर की बीमारी, पानी पड़ने की बीमारी, भाइयों को सपन दोष की बीमारी अथवा पेशाब में धातु जाता है, तो उसको संयत करने के लिए एक मंत्र मिला, बाप रे बाप, गजब का फायदा होता है। वो मंत्र जिसको लेना हो बाहें कान में उंगली डालेगा, दाहें कान से वो मंत्र सुनेगा और आदर से एक माला जप करेगा तो वीर्य संबंधी तकलीफों से रक्षा होती है। धातु रक्षा सर्व रक्षा, वीर्य रक्षा सर्व रक्षा। विद्यार्थियों को तो खास करना है, चलो बाहें कान में उंगली डालो और दाहें कान से ये महामंत्र सुनो। इस मंत्र से विकारी 25 ललना चिपक गई और श्रद्धापूर्वक के मंत्र जप करो तो आपका धातु की रक्षा हो जाएगी। ऐसा महामंत्र है। इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने गीता में कही, पितरों में अर्यमा मैं हूं, बड़े संयमी रहे। और ये अर्यमा देव पितरों में श्रेष्ठ अर्यमा, ये अर्यमा जी का मंत्र है। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। उंगली निकाल दो। ये 108 बार विद्यार्थी जीवन में जप करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 21 बार जप करके। अच्छा, जिसको सपन दोष या धातु की तकलीफ हो या शरीर कमजोर हो तो आंवला, ये आंवले तो बहुत है, छाया में सुखा दे, फिर कूट के आंवले का चूर्ण बन गया, 80 ग्राम आंवले का चूर्ण, 20 ग्राम हल्दी मिलाकर रख दिया, 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को फाके। कितना भी कमर कमजोर हो, धातु क्षय हो, सपन दोष हो, हस्तमैथुन की गंदी आदत हो, ये मंत्र और आंवला और हल्दी का मिश्रण फाके 8 दिन में गालों पे, शरीर पे पड़े हुए मुहावसे या खील कम होने लगेंगे और चेहरा भरावदार होगा।
तो युवा धन पुस्तकें विद्यार्थियों को 5 दे दो आपस में, युवा धन पुस्तक बांटने के, और ईश्वर की ओर दे दो 3, जीवन विकास पुरुषार्थ परम देव 3, ये दे दो, पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मंत्र से, प्राणायाम से और आसन से रजोगुण का शमन होता है। धर्मो रक्षति कीर्तनात्, तो जो हास्य है वो भी आरोग्य के लिए बड़ी एक टॉनिक है। अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी के साथ भारतवासी हो गए, अब हमको इनके आंदोलन से राज्य छोड़ना पड़ेगा, तो अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, तुम आंदोलन अभी स्थगित करो। गांधी जी को विश्वास में ले लिया, गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। तो आंदोलन की जो टिम्पा था, भीड़ थी, रोष था, वो सारा बिखर गया। फिर अंग्रेजों ने, बदमाशों ने गांधी जी को बोला कि ठीक है, तुम्हारी जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी, मतलब पैरों तले से धरती खींच ली, हम ये देंगे वो देंगे सब करेंगे, लेकिन अभी आंदोलन बंद करो। आंदोलन बंद हो गया और खूब दिनों के बाद जो मीटिंग की, तो उत्तर ऐसा दिया कि मानो गांधी जी, सुशीला नायडू गई थी साथ में, उसने देखा कि गांधी जी अब आत्महत्या करने चले जाएंगे। इतना धोखा हुआ, अंग्रेजों ने धोखा किया, अब गांधी जी जी नहीं सकेंगे। तो सुशीला नायडू गांधी जी के पीछे पीछे गई कि क्या अपने को चक्कू मारते या रेल के नीचे जाके गिरते हैं, गांधी जी अब उनके लिए तो जीना मुश्किल हो जाए। गांधी जी तो गए जहाँ स्वतंत्र सेना संग्रामियों का रसोड़ा था, वहाँ जाकर लौकी सवारने लगे, लौकी चीलने लगे, और बोले भूख लगी कुछ हो खाने को तो मिला तो खा पे गए, और फिर लौकी छीलने लगे और गपशप लगाकर महिलाएं और उनके बीच, और जोर से ठाका मार के हंसने लगे। तो सुशीला नायडू ने कहा कि बापूजी मना पिताजी, बापूजी हमें विश्वास नहीं होता है कि आप, हमने तो सोचा या तो नशा करके सो जाएंगे, लेकिन आप तो पवित्र आत्मा है, नशा नहीं करोगे तो आत्महत्या करोगे, तो आप इतने खुशी से काम करें। बोले सुशीला, भारत को आजाद कराना ये भी मेरे ईश्वर का काम है, और यहाँ लोगों की लोग भोजन करेंगे वो सब्जी सवारना भी मेरे ईश्वर का काम है। आप सफलता देना विफलता देना उसके हाथ की मर्जी है, लेकिन सम रहना हमारा पौरुष है। परिस्थितियों में समता ये बड़ी ऊंची चीज है। सुख आ जाए उसमें चिपको नहीं, और दुख आ जाए उससे घबराओ नहीं। तो जब सम रहोगे तो आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा। कोई प्रशंसा करे तो भूल न जाना, और कोई निंदा करे तो खिन्न नहीं हो जाना। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता, तो परम योगी है सुख और दुख में सम है। तो ये कृष्ण की गीता की जो साधना है, वो आप चलते फिरते घर में, दुकान में, गुफा में, मंदिर में, स्कूल में, सब जगह कर सकते हो। जी दिन में तो कई बार सुख दुख के प्रसंग आते हैं, कई बार मान अपमान के प्रसंग आते हैं, कई बार हर्ष शोक के प्रसंग आते हैं। उस समय आप सावधान रहो कि हर्ष हुआ है तो मन को हुआ है, शोक हुआ है तो मन को हुआ है, उसको देखने वाला दृष्टा मेरा आत्मा असंग है। ओम 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 ओम, एक ये। दूसरा, गांधी जी बोलते दिन में मैं कई बार हंसता हूँ, आप बच्चे भी हंसने का प्रयोग सीख लो। भगवान नाम कीर्तन करते करते फिर दोनों हाथ ऊपर करोगे तो मन और प्राण ऊपर आ जाएंगे, और फिर हंसोगे तो रक्त वाहिनियों का रक्त सात्विक होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा। और दिखावटी सर्टिफिकेट मिल गए, पैंट शर्ट पहन के जी लिया और विद्यार्थी बन गए, उसमें आज कोई दम नहीं। वैदिक संस्कृति के अनुसार तुम आगे बढ़ रहे तो बहुत ऊँची बात है, हमारा चित्त तो प्रसन्न होता है। ये वैदिक वाणी सुनकर बड़ा माहौल शांत हो रहा है, ये शांति देने वाला है कि नहीं? वैदिक ज्ञान मनुष्य की मांग है, शांति और प्रसन्नता दो ही मांग है।
तो वैदिक ज्ञान से शांति मिलती है और सत्कर्म और सत स्वरूप ईश्वर के ज्ञान से सच्ची प्रसन्नता मिलती है। बस तो पांच प्राणायाम रोज करें कम से कम, और एक मिनट रोके तो फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति में भी बढ़ा। ओम अर्यमाय नमः तो जप करोगे ना वैदिक विद्यार्थी, करोगे ना? हाँ, बहुत लाभ देगा।